हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जो आज की मेरी वीडियो है वो एक मिनी हॉल भी है मैक कॉस्मेटिक का और एक मिनी फर्स्ट इम्प्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैक प्रोडक्ट्स लेके एक लुक क्रिएट कर रही हूँ। बहुत फ्यू प्रोडक्ट्स है मेरे पास बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव ब्रांड, लेकिन जो भी मेरे पास है मैं उसके साथ लेके आपके साथ लुक शेयर करूंगी। मैंने मैक कॉस्मेटिक पे 20% का ऑफ चल रहा था, हॉलीडे ऑफ, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, वही मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी और उसके साथ साथ अपनी लुक भी क्रिएट करूंगी। विदाउट मेकअप मैं शेयर करूंगी आपके साथ प्रोडक्ट्स एंड उसके साथ साथ मैं लुक क्रिएट करूंगी। स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। ये आपने मुझे कई वीडियोस में यूज करते हुए देखा होगा, ये मेबलिन का लास्टिंग फिक्स, और ये ऑलमोस्ट मुझे रियलाइज नहीं हुआ। मैंने इवन अपनी खुद की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आपको एक्सपायरी चेक करनी चाहिए फिर आपको प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। मैं ये फिक्सर यूज करती थी समटाइम्स जब मुझे काम पे जाना होता था, लेकिन मुझे पूरा दिन रैशेज फील होते थे और मुझे लगता था कि वो धूप की वजह से हो रही है बिकॉज मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और मैंने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं कि मैंने इसको चेक ही नहीं किया। फिर मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी और उसपे देखा नहीं, इसको काफी टाइम हो गया है मुझे लिए हुए और अब ये मुझे हार्म कर रहा है बिकॉज इसकी डेट जो है वो जा चुकी है। तब मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि एक तो मुझे स्किन के लिए रिफ्रेशिंग मिस्ट चाहिए था, मुझे फिक्सर चाहिए था, लेकिन इतना आपका बजट नहीं होता है। लाइक अगर आप अच्छे ब्रांड के लिए जाओ तो आपका बजट बहुत ज्यादा होना चाहिए और मेरा बजट इतना नहीं था। मुझे कुछ अफोर्डेबल में भी चाहिए था और मुझे एक तो हाइड्रेशन के लिए कुछ चाहिए था बिकॉज मेरे फेस पे रैशेज, रेडनेस, लाइक एक्नेस बहुत कुछ हो गया था इसकी वजह से। इसलिए मैंने इस वीडियो के लिए इसको रखा, अभी मैं इसको फेंक रही हूँ, मैंने इसको यूज नहीं किया उसके बाद। तो फिर मैंने मैक का सेल चल रही थी, मैक की हॉलीडे सेल, तो फिर मैंने मैक रेडियंस जो है वो ऑर्डर किया था और उसके साथ मुझे एक फ्री गिफ्ट भी मिला है, मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह के बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है मैक कॉस्मेटिक और इनकी ईमेल है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर इन्होंने पैक किया हुआ था और उसके बाद ये मेरा इनवॉइस है, दिस माय इनवॉइस। आज फर्स्ट इम्प्रेशन तो है ही है अनबॉक्सिंग के साथ, मिनी हॉल के साथ। आज मैं इन फ्यू प्रोडक्ट, लाइक बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ मैं अपनी लुक भी क्रिएट करूंगी। मैंने ये ऑर्डर किया है मैक का फिक्स मैजिक रेडियंस। ये प्रॉमिस करता है फिक्स प्लस ऑल डे हाइड्रेटिंग स्प्रे विद विटामिन सी और हाइड्रेट करता है आपको प्रॉपर वे से, ये कह रहा है। और इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि लाइक फेस के लिए काफी विटामिन्स और समथिंग इस तरह का मिनरल्स। तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इसको एक दो बार यूज कर लिया है। तो ये वर्क कैसे करता है, मैक प्रॉमिस करता है कि इसको आप एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हो और आप इसको एज अ फिक्सर भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं इसमें कुछ होलोग्राफिक कलर्स आ रहे होंगे। वाओ, आई डिडंट नोटिस इट। तो ये 100 ml की पैकेजिंग है, इंडिया और अगर आप ऑस्ट्रेलिया का प्राइस देखना चाहोगे तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन ये मुझे 20% ऑफ पे मिला है क्योंकि इस टाइम ऐप पे सेल चल रही थी। मुझे एक फिक्सर भी चाहिए था मेकअप फिक्सर के लिए और एक मुझे वो भी चाहिए था प्राइमर कम हाइड्रेशन स्प्रे भी चाहिए थी। तो ये दोनों चीजों का वर्क कर रहा था, मैंने सोचा वाई नॉट। तो अभी मैं आप लोगों को ये ट्राई करके दिखाऊंगी, बट सबसे पहले मैं आपको सेकेंड आइटम दिखा देती हूँ। तो सेकेंड आइटम कुछ नहीं है, जब मैंने ये ऑर्डर किया तो मुझे इसके साथ ये छोटी सी स्ट्रॉब क्रीम मैक की जो है वो भी मिली थी एज अ गिफ्ट। आप कुछ भी लेते हो वहां से तो आप एक सैंपल छोटा सा पिक कर सकते हो, काफी ऑप्शंस वो शो करते हैं। और ये इसका साइज है और ये है 6 ml। लाइक ट्रेवल के लिए अच्छी है, काफी बार यूज हो सकती है, वाई नॉट, फ्री के लिए तो कुछ भी। तो इसकी जो लाइफ है वो 24 months की है, विच इज गुड। अगर आप बड़ी लेते हो तो आप देख सकते हो 2 साल का इन्वेस्टमेंट है ये। और ये जो स्ट्रॉब क्रीम है ये हाइड्रेटिंग भी होती है और ये इल्यूमिनेटिंग भी होती है, लाइक आपको एक अच्छा इफेक्ट देती है, वो भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी। जैसे मैंने प्रॉमिस किया है ये मैक फर्स्ट इम्प्रेशन भी रहेगा और मिनी हॉल भी रहेगा। उसके बाद ड्यू टू हॉलीडे मैक के पास एक ऑफर चल रही थी, कुछ समथिंग स्पेंड करते हो तो आपको फ्री गिफ्ट रिसीव होगा। तो ये फ्री गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है, इसके 2 कोट थे, रेड 20 और पिंक 20। रेड 20 अगर आप लगाते हो तो आपको एक रेड लिपस्टिक के साथ कुछ छोटा मोटा रिसीव होना था। तो देखते हैं इसमें क्या है।
तो ये अच्छा पाउच है एक, आप इसको थोड़ा बहुत मेकअप इसमें स्टोर कर सकते हैं। सो इट वॉज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, आई हैवन्ट पेड सिंगल डॉलर फॉर दिस वन। सो काफी अच्छे से रैप किया हुआ है, जस्ट लाइक गिफ्ट। ओके सो इसमें एक तो मुझे ये मिला है, अगेन इट इज फिक्स प्लस ऑल डे, जो मैंने बाय किया है उसका एक छोटू सा सैंपल है आपकी मेकअप किट के लिए, आप देख सकते हैं। नॉट दिस वन, इट्स अनदर स्ट्रॉब क्रीम। तो मुझे दो स्ट्रॉब क्रीम मिल गई तो मैं चल जाएंगी, और सेकेंडली मैं यूज करके भी देख सकती हूँ कि किस तरह की है अगर फ्यूचर में आपको बाय करना है इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर मैक का, और ये काफी पॉपुलर भी है यहाँ पे। सो ये हो गया, और उसके बाद एक छोटा सा मस्कारा भी मुझे रिसीव हुआ है। उसके बाद जो एक्साइटिंग थिंग थी, क्यों मैंने इसको बाय किया, वो थी ये मैक की लिपस्टिक। बाकी सारी चीजें आपको जो है मिनी साइज से भी मिनी साइज मिली है, लेकिन जो लिपस्टिक वो दे रहे थे, जो कोड मैंने आपको बताया रेड 20 और पिंक 20 उस टाइम चल रहा था, उसका ये था कि रेड 20 लगा तो फुल साइज लिपस्टिक आपको मिलेगी। इनकी मिनी लिपस्टिक भी आती है, लेकिन हॉलीडे का इन्होंने काफी अच्छा गिफ्ट दिया, बिकॉज लिपस्टिक इट सेल्फ इज $30 विच इज ऑलमोस्ट 1500 रुपीज इंडिया के। सो ये अच्छी डील थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे रिसीव हुआ है इन द शेड वर्क 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 922, और ये सीम्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल शेड। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। सो इन फ्यू प्रोडक्ट से आज मैं अपनी लुक भी क्रिएट करूंगी। सो दिस इज अ मैक लिपस्टिक, सच अ ब्यूटिफुल रेड शेड, बहुत प्यारा शेड है। वाओ, बहुत ही बटरी सॉफ्ट सी लिपस्टिक है, लेकिन आई थिंक ये रेट्रो मैट है, नहीं ये पाउडर किस लिपस्टिक है। ओके सो ये जो वर्क 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 लिपस्टिक है उनकी, ये पाउडर किस लिपस्टिक की रेंज है, जो इनकी नई रेंज आई है, ये रेट्रो मैट नहीं है। सो ये थोड़ी सी आपको पाउडरी फिनिश देगी, ये सेटिंग भी नहीं है लेकिन ये मैट भी नहीं है। सो बहुत सॉफ्ट सा टेक्सचर है। ये मैक ने नई लिपस्टिक्स जो है वो लॉन्च की है, इनकी लिक्विड लिपस्टिक्स भी मार्केट में अवेलेबल है। सो या दैट्स ऑल आई हैव ऑर्डर्ड। सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये एज अ प्राइमर, इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। इसकी मैं आपको इंटरनल लुक भी दिखा देती हूँ, ये अंदर भी से भी होलोग्राफिक करके कुछ है। आपने मैक का काफी वो भी देखा होगा जो स्टैंडर्ड इनका फिक्स प्लस आता है, लेकिन मैं ये ले रही थी बिकॉज इसमें विटामिन सी का कुछ टेक्सचर है, और ये मुझे काफी नॉर्मल डेज में भी मैं इसको लगा लेती हूँ, काफी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसको मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं फेस कितना ग्लोई लग रहा है अभी, और इसको मैं थोड़ा सा ड्राई आउट कर रही हूँ। बाद हम अप्लाई करेंगे स्ट्रॉब क्रीम एज अ मॉइस्चराइजर। जो स्ट्रॉब क्रीम्स होती हैं ये बहुत थोड़ी यूज होती हैं, आपको बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। बहुत ही ग्लोई इफेक्ट देता है ये स्ट्रॉब क्रीम। चीज थी जो मैंने लास्ट ईयर बाय की थी, ये है मैक का स्टूडियो फिक्स, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था लास्ट ईयर, बिकॉज मैं फाउंडेशन पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप बहुत लेट भी हो रहे हैं अपने काम पे जाने के लिए तो ये बहुत काम की चीज है, और मेरा शेड है NC20, और आई थिंक ये शेड अच्छा है, मेरे लिए सूट करता है। सो ये मैंने इसकी पैकेजिंग संभाल के रखी थी, मुझे वीडियो करना था, लेकिन कॉम्पैक्ट को मैंने बहुत ज्यादा ही यूज कर लिया है। सो दिस इज माई कॉम्पैक्ट मैक का, एंड मैंने इसको यूज कर लिया है काफी ज्यादा, और इसका स्पंज ये वाइट था लेकिन अभी ये यूज हो गया है। वैसे भी मैं इसको ब्रश के साथ ही अप्लाई करती हूँ।
देख सकते हैं अभी मैंने कोई कंसीलर कुछ भी नहीं लगाया है और आप कवरेज देख सकते हैं। थोड़े डार्क सर्कल्स हैं ऑफकोर्स, ये डार्क सर्कल तो कवर नहीं करेगा बिकॉज इट्स नॉर्मल कॉम्पैक्ट एज वेल स्टूडियो फिक्स के साथ, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत अच्छी कवरेज दे देता है एज कम्पेयर टू फाउंडेशन, आपको लगाना नहीं पड़ता। सो मेरे लिए तो ये ठीक है बिकॉज रोज रोज आप कितने कंसीलर्स लगाते हो, आपको टाइम नहीं लगता है, बट ये काफी सही है मेरे लिए। तो मैं अभी इसको पूरे फेस पे अप्लाई करके आपको मिलती हूँ। इसके बाद बारी आती है हमारे लिपस्टिक की। सो लिपस्टिक भी जो मुझे गिफ्ट में रिसीव हुई है मैक की, मैं वही यूज करूंगी। लाइक जो प्रोडक्ट भी मेरे पास है मैं उन्हीं से अपनी लुक क्रिएट कर रही हूँ। आई डोंट हैव मच प्रोडक्ट, सो इसी से ही मैं आपको दिखाऊंगी। आई थिंक ये वीडियो में थोड़ी ऑरेंज रेड आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है। एंड इस सेम लिपस्टिक को मैं यूज कर रही हूं एज अ ब्लश ऑन और एज अ थोड़ा सा आईज को कलर देने के लिए, बिकॉज मुझे इसी इन्हीं चीजों से अपनी लुक क्रिएट करनी है। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मैंने पिंक सा शेड दिया है इसको ज्यादा। उसके बाद हम मस्कारा से इसको फिनिश करेंगे। तो मस्कारा को ऑलवेज इस तरह से आपको नहीं निकालना है, इस तरह से उसके वॉर्म को निकालना है। सो गाइज मैंने ये यूज कर लिया है, लेकिन आप मेरे देख सकते हो थोड़ी आंख में पानी आ गया था बिकॉज मुझे मस्कारा का थोड़ा वॉर्म अच्छा नहीं लगा। मे बी अभी मैं डिफरेंट मस्कारा यूज कर रही हूँ, उसका भी मैं रिव्यू आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। मैं बेनिफिट का मस्कारा जो है वो यूज कर रही हूँ और वो काफी मुझे अच्छा लगा, लेकिन लिपस्टिक का मुझे कलर बहुत प्यारा लगा है और फुल साइज लिपस्टिक मुझे मिली है, आई एम वेरी हैप्पी। और ये मुझे काफी पसंद आया और इनका कॉम्पैक्ट मैं यूज करती हूँ, स्ट्रॉक क्रीम भी मुझे काफी अच्छी लगी इनकी। सो ये था मेरा मैक का आज का रिव्यू। और इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गई, इस पर लॉक है, तो अगर आपको यहाँ पे है ये तो इट मीन्स रेडी टू यूज है, अगर आप इसको इस तरह ट्विस्ट करोगे तो ये लॉक हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज मुझे लगी इसकी। सो गाइस होप करती हूँ आपका आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज मैं देख सकती हूँ बहुत से लोग मेरी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जरूर मिले। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।